Hi guys and welcome to another video. So in today's video we will discuss कि क्या i5 4th generation का processor 2023 में worth रखता है या नहीं रखता. So let's go. तो भाई लोग, अगर बजट प्रोसेसर्स की बात की जाए ना, तो दो ही प्रोसेसर्स हैं जो ज़्यादातर बजट गेमर्स कंसीडर करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ i5 थर्ड जनरेशन एंड द सेकंड वन इज़ i5 फोर्थ जनरेशन. i5 थर्ड जनरेशन के रिव्यू की वीडियो आपको आई कार्ड पर मिल जाएगी, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं. अच्छा, तो भाई लोग, ये प्रोसेसर्स कंसीडर ही दो रीजन की वजह से किए जाते हैं. द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि ये बजट में रहते हुए आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देते हैं, और सेकंड रीज़न ये कि ये प्रोसेसर यूज़ करके आप अपनी पीसी बिल्ड को फ्यूचर प्रूफ भी बना सकते हैं. तो अगर बात की जाए i5 फोर्थ जनरेशन की, तो यार ये प्रोसेसर क्या है, कोई कमाल किस्म का प्रोसेसर है यार. तो चलो आप इस प्रोसेसर का करते हैं ऑपरेशन और जानते हैं इसकी स्पेक्स. अच्छा, तो इस प्रोसेसर के काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, तो जो सा मॉडल मैंने इस प्रोसेसर का सिलेक्ट किया है वो है i5 4590. ये प्रोसेसर रिलीज़ हुआ था 2014 में. इस प्रोसेसर के अंदर हमें 4 कोर्स देखने को मिल जाती हैं और 4 ही थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं. इस प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वो 3.30 GHz की है, और इस प्रोसेसर की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वो 3.70 GHz की है. इस प्रोसेसर की लिथोग्राफी की बात की जाए तो वो 22 नैनोमीटर की है, और इस प्रोसेसर की TDP की बात की जाए तो वो 84 वाट्स की है. इस प्रोसेसर का मैक्सिमम टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस का है, और ये प्रोसेसर LGA1150 की सॉकेट को सपोर्ट करता है. और जो सा मदरबोर्ड ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है वो है H81, और जिस टाइप की रैम को ये सपोर्ट करता है वो है DDR3 की. और ये प्रोसेसर इंटेल की 6MB स्मार्ट कैशे को भी सपोर्ट करता है, और इस प्रोसेसर के अंदर हमें इंटेल कैश डी ग्राफिक्स 4600 भी देखने को मिल जाते हैं. और ये जो बिल्ट इन ग्राफिक्स हमें इस प्रोसेसर के अंदर देखने को मिलते हैं, दीज आर अ लॉट बेटर दैन द प्रीवियस वन, बिकॉज ये आपको काफ़ी पुरानी गेम्स विदाउट एनी GPU प्ले करवा देने की कैपेबिलिटी रखते हैं. गेम्स लाइक नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2, GTA 5, असैसिन्स क्रीड रॉग, बैटमैन आर्कम सिटी, बैटलफील्ड 4, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पबजी मोबाइल. तो भाई लोग, हमने इस प्रोसेसर की स्पेक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बात कर ली, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोसेसर. अच्छा, तो यारो देखो, प्राइस जो है ना, ये डिफर कर सकती है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, कि आप कहाँ पर रहते हैं. क्या पता जो प्राइस मैं आपको बताऊँ उससे ज़्यादा शॉपकीपर आपको सेल कर रहा हो, या क्या पता ये आपको प्राइस में कम भी देखने को मिल रहा हो. मैं वैसे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान में ये प्रोसेसर आपको किस प्राइस रेंज में देखने को मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट्स. तो यारो, ये प्रोसेसर आपको 12,000 से लेकर 13,500 तक देखने को मिल सकता है. अच्छा, और अगर आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि भाई अगर हमें ये प्रोसेसर आपकी बताई हुई प्राइस में ना मिला, तो यारो आप सीधी सीधी शॉप चेंज कर लेना और दूसरी शॉप पे चले जाना, आपको इस प्राइस के अंदर ये प्रोसेसर मिल जाएगा. और अगर फिर भी ना मिला आपको ये प्रोसेसर इस प्राइस के अंदर, तो फिर आपको एक ही काम करना है, और वो ये कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लेना. इससे मुझे तो हेल्प होगी ही होगी, और दूसरा ये कि आपको भी हेल्प होगी. और आपको इस तरह से हेल्प होगी कि जब आप ये प्रोसेसर बाय करने जाएंगे मार्केट में, तो आपको ये और भी कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा. तो यानी अब हमने इस प्रोसेसर की प्राइस के बारे में बहुत बात कर ली, और अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ प्रोसेसर, विच इज़ ऑब्वियसली द गेमिंग परफॉर्मेंस. तो यारो, अब बात कर लीजिए इस प्रोसेसर की गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ये प्रोसेसर आपको 1080p लेवल की गेमिंग आराम सुकून से करवाने की कैपेबिलिटी रखता है. इस प्रोसेसर के साथ आप RX 480, 470 या 570 जैसे हाई फाई GPUs भी यूज़ कर सकते हैं, और ये GPUs के साथ बोटलनेक भी नहीं करेंगे, और आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल जाएगी. मैंने जो सा GPU प्रोसेसर के साथ यूज़ किया है वो है RX 470, और इनके बेंचमार्क्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर. Gotta watch out, folks. Oh, my God, no! Jesus.
तो अब आपको अंदाजा तो हो ही चुका होगा कि ये प्रोसेसर आपको किस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अब अगर बात की जाए मेरे ओपिनियन की, तो यार ये जो 9 साल पुराना प्रोसेसर है ना, ये आज की डेट में भी वर्थ रखता है यार। ये आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आपका बजट 30K से लेकर 35K है और आपने कोई PC बिल्ड करवानी है, तो आप इस प्रोसेसर को ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। अब चाहे वो नॉर्मल टास्क के लिए PC बिल्ड हो या फिर गेमिंग के लिए हो, ये प्रोसेसर तो आपको कभी भी नहीं डिसअपॉइंट करेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड होता है यार। मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।